Hello guys, today's topic, governor and gyroscope, fresh and new model we are going to start. So let us see, what is the function of governor? अब ये जो गवर्नर जो है वो स्टेट का जो गवर्नर होता है राज्यपाल, वो वाला गवर्नर नहीं है, ये मशीन वाला गवर्नर है. ठीक है, जस्ट ट्राई टू बी अंडरस्टैंड. सो गाइज लेट अस सी क्या मैकेनिज्म, क्या कॉन्सेप्ट, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर गवर्नर इंजन के अंदर, मशीन के अंदर काम करता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ गवर्नर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गवर्नर? फंक्शन ऑफ गवर्नर. सो गाइस, गवर्नर टू कंट्रोल, टू मेंटेन, टू रेगुलेट द मेन स्पीड ऑफ द इंजिन. इंजिन का जो मेन स्पीड होता है उसको कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम गवर्नर का होता है. बट कंडीशन क्या होगी? बट इट डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन ऑफ लोड, चेंजेस ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड, ये कंडीशन होगी, तब जाके वो इंजिन का स्पीड को कंट्रोल करेगा. ये होता है फंक्शन ऑफ गवर्नर. अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ गवर्नर, कि भाई गवर्नर जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है. प्रिंसिपल ऑफ गवर्नर. सो लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल. व्हेन द लोड ऑन द इंजन इंक्रीजेस, अब मान लो आप बाइक पे दो लोग जा रहे, अब और एक बंदा आप लोगों ने बैठा लिया बाइक के ऊपर, अब मतलब गाड़ी के ऊपर, इंजन के ऊपर लोड तो बढ़ गया, बट अब व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड उसका कम हो जाएगा, बट लोड ज्यादा है तो उसको फ्यूल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, बिकॉज लोड ज्यादा है. अदर सिचुएशन क्या होगी? अब बाइक के ऊपर आप सिंगल है या दो ही लोग है, मतलब लोड कम है, इंजन के ऊपर लोड कम है. व्हेन द लोड ऑन द इंजन डिक्रीजेस, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट अबाउट स्पीड? उसका स्पीड बढ़ जाएगा, लोड कम है स्पीड बढ़ जाएगा, बट व्हाट अबाउट फ्यूल सप्लाई, फ्यूल रिक्वायरमेंट क्या होगा? जब लोड कम है तो फ्यूल रिक्वायरमेंट की जो भी मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो ये प्रिंसिपल के ऊपर गवर्नर जो है वो काम करता है. व्हेन द लोड ऑन द इंजन इंक्रीजेस बट इट्स स्पीड डिक्रीजेस, इंजिन का स्पीड जो है, गवर्नर का स्पीड जो है वो कम हो जाएगा. एंड टू इंक्रीज यू नीड टू प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूड, आपको ज्यादा क्वांटिटी में इंजिन के अंदर जो सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूड है, फ्यूल के रिक्वायरमेंट जो है वो आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगी, बिकॉज लोड ज्यादा है. एंड अदर कंडीशन, व्हेन द लोड ऑन द इंजिन डिक्रीजेस, स्पीड गोज ऑन इंक्रीजेस, and obviously there is a less amount of working fuel supply that is required to the engine. ये होता है, ये principle के ऊपर governor जो है वो काम करता है. So guys, now let us see, we will discuss the types of governor. Okay, देखिए फिर. So this one, the governor there is two types of governor. The first one, centrifugal governor. कौन सा है centrifugal governor? Second है आपका inertia governor. Inertia governor. Okay. So आपको questions, theoretical question ऐसा पूछते हैं कि by a difference between centrifugal governor and inertia governor. एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है. अनदर क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन 5 नंबर के लिए ऐसा भी पूछते हैं कि भाई डिफाइन द गवर्नर एंड राइट डाउन दैट द टाइप्स ऑफ गवर्नर 5 नंबर के लिए. कभी के बाद राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इनर्शिया गवर्नर. देखिए फिर, तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के यहां पे अगेन टू टाइप्स बन जाते हैं, जो है यहां पे पेंडुलम टाइप. पेंडुलम टाइप जो होता है वॉट गवर्नर,
वॉट गवर्नर इज अ पेंडुलम टाइप, और यहां पे आपका लोडेड टाइप ऑफ गवर्नर, लोडेड टाइप ऑफ गवर्नर। सो गाइस, लोडेड टाइप ऑफ गवर्नर के अगेन टू टाइप्स है, डेडवेट टाइप ऑफ गवर्नर, डेडवेट टाइप ऑफ गवर्नर। ठीक है, देखिए यहां पे है इसका अगेन स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के चार टाइप्स होते हैं जो अभी हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। डेडवेट टाइप ऑफ गवर्नर के टू टाइप्स हैं, पोर्टर गवर्नर, पोर्टर गवर्नर एंड प्रॉइल गवर्नर। ठीक है, चलिए स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर वो भी लिख लेते हैं। हार्टनेल गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर, ओके, हार्टंग गवर्नर, हार्टंग गवर्नर, विल्सन, नेक्स्ट टाइप से विल्सन, विल्सन हार्टनेल गवर्नर, और लास्ट है आपका पीकेरिंग गवर्नर, पीकेरिंग गवर्नर। दीज आर द टाइप्स ऑफ गवर्नर, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा भी होता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन वार्ड गवर्नर एंड पॉटर गवर्नर, कभी के बार ऐसा भी होता है डिफरेंस पॉटर गवर्नर एंड हार्टनेल गवर्नर का डिफरेंस क्या है, पांच नंबर के लिए आपको, चार या पांच नंबर के लिए ऐसा भी डिफरेंस पूछ लेते हैं। सो गाइज, सिलेबस कंटेन पॉटर गवर्नर है और है आपको हार्टनेल गवर्नर और वार्ड गवर्नर का, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट में उसका कंसेप्ट क्या है वो उतना ही है बस। इसका आपका कोई डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, आपको कोई इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, बट न्यूमेरिकल जो आता है एग्जाम में 10 नंबर के लिए पॉटर गवर्नर के ऊपर 100% चांसेस, और 100% चांसेस है हार्टनेल गवर्नर के ऊपर न्यूमेरिकल। इनका डेरिवेशन भी कभी पूछा नहीं है, डेरिवेशन आपको नहीं पूछेंगे बट न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो इतना कंटेंट है सिलेबस के अंदर, पॉटर गवर्नर के प्रॉब्लम, डेरिवेशन और प्रॉब्लम, और हार्टनेल गवर्नर के डेरिवेशन और प्रॉब्लम। सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड, व्हिच ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट ऑफ गवर्नर एंड हाउ एक्चुअली द गवर्नर्स आर वर्क्स इन इंजिन, हाउ डज इट वर्क्स। तो मैं अभी इसको रब कर रहा हूं, देखिए चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ गवर्नर, और गवर्नर जो है वो किस हिसाब से काम करता है इंजन के अंदर। ठीक है, चलिए अब मैं एक फिगर बना रहा हूं सेंट्रिफ्यूगल गवर्नर की। ठीक है, देखिए तो गाइस दिस वन है अपर आर्म्स, अपर आर्म्स। ठीक है, देखिए ये है आपके गवर्नर बॉल्स, फ्लाई बॉल्स। ठीक है, देखिए ये है आपके लोअर लिंग्स और लोअर आर्म्स इस तरह से, और ये है आपका गवर्नर एक्सिस और स्पिंडल, ये वाला शाफ्ट है इस तरह से आपका, इधर से एक शाफ्ट होगा और ये है आपका स्पिंडल एक्सिस और गवर्नर एक्सिस। चलिए देखिए फिर, ये आपका गाइस है पिवट पॉइंट। ठीक है, और ये जो लोअर लिंग्स है तो यहां पे आपका एक अटैच कनेक्टेड होता है स्लीव, स्लाइडिंग मोशन जिसका होता है, जो स्लीव जो है वो ऊपर नीचे उसका स्लाइडिंग मोशन होता है ऊपर नीचे अप एंड डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए ये स्लीव को यहां पे एक अरेंजमेंट बेल क्रैंक लीवर की अरेंजमेंट होती है, कौन सा बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, यहां पे एक मैकेनिज्म होता है जिसका नाम है बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म। देखिए ये बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म को एक यहां पे एक थ्रोटल वॉल और कंट्रोलिंग वॉल होता है, फ्यूल कंट्रोल वॉल,
ठीक है, देखिए इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ये गवर्नर का होता है इंजन के अंदर, और ये जो है यहाँ से आपका सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल की मात्रा जो है वो इंजन में सप्लाई होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो नाम लिख लेंगे, ये है आपका अपर आर्म्स, ठीक है गाइस, दिस वन फ्लाईवॉल्स, फ्लाईवॉल्स और गवर्नर वॉल्स, ठीक है। देखिए अब ये यहां से आपका होता है हाइट ऑफ गवर्नर, जो हाइट ऑफ गवर्नर कहां से होगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पिंडल एक्सिस, और गवर्नर एक्सिस के सेंटर से लेके ये फ्लाईवॉल्स का सेंटर, हाइट ऑफ गवर्नर, और ये होता है आपका रेडियस ऑफ रोटेशन, जो कहां से होगा, सेंटर ऑफ बॉल्स और ये गवर्नर एक्सिस से रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। दिस वन स्लीव, ठीक है, देखिए सो गाइस यहां पे आपका एक बेवल गियर मैकेनिज्म जिसका एक अरेंजमेंट इस तरह से होता है, ठीक है, और ये है आपका इंजन शाफ्ट, चलिए ये है आपका इंजन शाफ्ट, बेवल गियर, ठीक है, थ्रोटल वॉल, थ्रोटल वॉल, दीज आर द कंपोनेंट हम लोग देख रहे हैं गवर्नर के, ठीक है ना, और ये है आपका बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, बेल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड, फ्यूल सप्लाई, हो गया। लोअर लिंग्स और लोअर आर्म्स, तो गाइस अभी गवर्नर के अंदर लोड का जो है, इंजन के ऊपर लोड का बढ़ना, इंजन के ऊपर लोड का घटना, तो इस तरह से गवर्नर ने किस तरह से किस हिसाब से काम करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोड, जैसा भी स्पीड उसका कम ज़्यादा हो रहा है, तो ठीक है, तो ये जो काम है ये अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है, हाउ एक्चुअली द वर्क्स ऑफ गवर्नर। अब मान लो अब कंडीशन क्या है, अभी हम लोगों को पावर कहां से मिलेगा गवर्नर रोटेट होने के लिए, अब यहाँ पे इंजन शाफ्ट है, यहाँ से हमें पावर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है बेवल गियर के अरेंजमेंट है, जो इंजन शाफ्ट रोटेट होगा जहां से आपका ये गियर जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो गवर्नर का जो शाफ्ट है और ये इंजन का शाफ्ट, दोनों एक दूसरे को कपल्ड होते हैं, ठीक है, थीके? अब देखिए ये बेवल गियर रोटेट स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली गवर्नर का जो स्पिंडल है वो भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, तो कंडीशन क्या है, व्हेन द लोड ऑन द इंजन डिक्रीजेस, इंजन के ऊपर अब लोड जो है वो कम है, ठीक है, तो व्हाट अबाउट स्पीड, अब इंजन का स्पीड, अब लोड कम है तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंजन का स्पीड बढ़ जाएगा तो ये जो गवर्नर जो है गवर्नर का स्पीड भी क्या हो जाएगा, स्पिंडल का स्पीड और गवर्नर का स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्पीड लोड कम है, स्पीड बढ़ गया, तो अब यहाँ पे जो है ये जो फ्लाईबॉल जो है वो भी रोटेट हो रहे हैं, तेजी से रोटेट हो रहे हैं, ठीक है ना, अब ये जो स्पिंडल है वो रोटेट हो रहा है शाफ्ट, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे ये जो गवर्नर बॉल्स है ये इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, जो कितना है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका सेल्फ वेट कितना आ जाएगा फ्लाईबॉल्स का, एम जी या वेट, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है, ये मास है, वेट है ऑफ दैट फ्लाईवॉल्स, ठीक है। चलिए तो ये जो है दिस आल्सो इंक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द फ्लाईवॉल्स, फ्लाईवॉल्स जो गवर्नर बॉल्स है उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी बढ़ा देगा, बिकॉज स्पीड बढ़ रहा है। अब देखिए ये जो स्पीड बढ़ रहा है, लोड कम है, तो आपका जो फ्लाईवॉल्स है कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा, जो गवर्नर बॉल्स और फ्लाईवॉल्स which is moves toward which directions, outward direction, इस तरह से outward direction में move होगी। अब देखिए
भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बढ़ गया, फ्लाई बॉल्स ऊपर की तरफ मोह रहे, स्पीड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जो स्लीव है वो किस तरह जाएगा, ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। योर स्लीव इज मूव्स टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शंस, व्हिच इज ट्राइंग टू मूव अपवर्ड डायरेक्शंस। अब देखिए अब ये स्लीव ने कितना ऊपर जाना है कितना नीचे जाना है, तो यहाँ पे एक स्टॉप आपका प्रोवाइडेड होगा, स्टॉपर लगा देगा, जो मतलब कोई लिमिट है उसकी, ठीक है ना, वो लिमिट नहीं क्रॉस करेगा। तो S1 S2 दीज आर द टू स्टॉप आर प्रोवाइडेड। ओके देखिए तो यहाँ पे आपका स्लीव जो है फ्लाई बॉल्स इस तरह से मूव है, आपका स्लीव जो है वो भी ऊपर की तरफ मूव हो गया। अब ये जो स्लीव की जो बेल कैन लीवर मैकेनिज्म जो है अरेंजमेंट है, तो वो जो पोजीशन जो है थ्रोटल वाल्व की पोजीशन जो है वो क्लोज कर देगा। अब थ्रोटल वाल्व फ्यूल कंट्रोल वाल्व जो है वो क्लोज हो गया, मतलब इंजन के अंदर जो फ्यूल की मात्रा है, जो फ्यूल रिक्वायरमेंट जो है वो आपका क्या लगेगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा, मतलब इंजन के अंदर फ्यूल आपका जो है वो आना बंद हो जाएगा। अब ये कंडीशन रहेगी। अब सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी, अब देखिए यहाँ पे लोड कम है तो स्पीड भी क्या है, स्पीड आपका ज्यादा है। अब सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी, अब गाड़ी के ऊपर लोड है, सो व्हेन द लोड ऑन द इंजन गोज ऑन इंक्रीजेस, सो व्हाट अबाउट स्पीड, स्पीड घट जाएगा बिकॉज गाड़ी के ऊपर लोड ज्यादा है तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो इंजन का स्पीड आपका कम हो जाएगा, गवर्नर का स्पीड आपका कम हो जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल बॉल के ऊपर जो आपका फोर्स लग रहा है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस डिक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दैट फ्लाई बॉल्स, तो ऑब्वियसली स्पीड कम है तो ये फ्लाई बॉल जो किस तरह मूव हो गए, अंदर की तरफ मूव हो गए, फ्लाई बॉल्स आपका जो है वो अंदर के डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए ये फ्लाई बॉल जो है वो अंदर की तरफ मूव हो गए तो स्लीव को धक्का देंगे, तो स्लीव जो है वो किधर मूव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। द पोजीशन और मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ स्लीव इज मूव्स टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब देखिए लोड ज्यादा है स्पीड कम है तो स्लीव जो है ये बेल कैन लीवर मैकेनिज्म को धक्का देगा और आपका जो फ्यूल कंट्रोल वॉल जो है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह से देयर इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यू नीड टू सप्लाई टू द इंजन, बस यही काम है गवर्नर का, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू बी अंडरस्टैंड। ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ गया वो पूरा गवर्नर का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, जो मॉड्यूल है वो पूरा समझ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद अभी इसके जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नर, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर, आइसोक्रोनस गवर्नर्स, हंटिंग ऑफ गवर्नर, पावर एंड एफर्ट ऑफ गवर्नर, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सो थैंक यू गाइस, stay connected and keep supporting, keep watching the videos. Thank you very much.